चलिए अब रुख करेंगे बड़ी खबरों की तरफ। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर धारा 163 लागू है। पुलिस की चाक चौबंद तैयारियां हैं। बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहने वाला है। तो बता दें आपको कि कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से मुस्तैद है। नोएडा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस की चाक चौबंद तैयारियां हैं और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहने वाला है। तो बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि किसी तरह का कोई दंगा विवाद या अनहोनी ना हो। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर नजर, हर जगह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और साथ ही बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहने वाला है इस बार। तो ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरनगर से अरविंद चौधरी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजू, अगर यहाँ पर वाराणसी की बात की जाए, क्योंकि देखिए एक पूरे रूट को अगर हम देखें कांवड़ यात्रा के, तो प्रशासन की तरफ से पहले ही कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वाराणसी में क्या तैयारी? श्रद्धालु है, श्रद्धालु मंदिरों पर उनका उमड़ता है, जिला प्रशासन और वाराणसी पुलिस पूरी तरीके की रही है। यही वजह है कि वाराणसी से प्रयागराज तक का जो रास्ता है, एक लेन को पूरी तरीके से चलिए ठीक है राजू, लौटेंगे आपके पास में। शायद यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुँच पा रही है। अरविंद, आपका रुख करूंगी मुजफ्फरनगर, क्योंकि मुजफ्फरनगर वो इलाका है जहाँ से कांवड़ यात्री गुजर कर होके जाते हैं। मुजफ्फरनगर में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, मुजफ्फरनगर यहाँ पे केंद्र रहता है, क्योंकि यहाँ से तीन राज्य को लेकर जो ऋषि भक्त होते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेकर चलते हैं, और जैसे दिल्ली को जाने वाले, हरियाणा को जाने वाले, राजस्थान को जाने वाले लोग यहीं से मुजफ्फरनगर से आप अपनी दिशा और अपने गंतव्य की तरफ और जाते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, और जो कांवड़ मार्ग है उस पर खासकर मुस्तैदी बरती हुई है कि वहाँ पर कोई भी अतिक्रमण या ना हो, या पुलिस पूरी तरह से करना है, बार बार चेकिंग कर रही है, कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीजें ना हो जिसको लेकर के भक्तों को परेशानी हो और उसको कोई विवाद का कारण बने। कल भी छपार के पास एक ढाबे पे प्याज को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस मुद्दे गए इस बात को लेकर कि सभी ढाबा मालिक अपना नाम लिख देंगे, ये अच्छी बात थी कि वो हिंदू धर्म को मानने वाला ढाबा मालिक था, उसने अपना नाम पहले से लिखा हुआ था। अदरवाइज इसको लेकर भी कोई अपना धार्मिक उमार चला सकता था, इस सोच को लेकर की इस को लेकर कोई कथन सच पूरी तरह मुस्तैद है, और सच है कि कांवड़ को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है, क्योंकि 5 करोड़ के करीब लगभग कांवड़िया मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाले हैं। चलिए।